को रखे रखे हो गए हैं 3 से 4 दिन और इनको खाने को कोई भी तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ठंडा बना लिया जाए। और आम का मौसम है, आम का मौसम कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, आम को पहले छील लेते हैं। छीलने के बाद यहाँ पर ना मिक्सी के जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 आम ले लिया है और उस पर मैंने डाल दिया है 2 चमचे भर के दही। दही खट्टी ना हो। और क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से दही डाल सकते हैं। मतलब ज़्यादा बनाना हो लस्सी तो आप दही थोड़ा ज़्यादा डाल दें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चमचा भर के शुगर पाउडर, या फिर आप मिश्री पाउडर भी डाल सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। तो बस यहाँ पर हमारी लस्सी बन गई है और मैंने 1 गिलास ले लिया है और उसमें डाल दिया है बर्फ़। अपने हिसाब से डाल दें। और बस जो हमने मैंगो लस्सी बना कर रखी है वो डाल देते हैं। ऊपर से हम डालेंगे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स। मैंने ये क्रश कर लिए थे चॉपर में, बादाम है और काजू है। ऊपर से मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ आम और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ चेरी। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डाल सकते हैं और इसके ऊपर से आप रूअफ़ज़ा जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो क्यों ना आम की जगह इसको बनाकर पीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं तो चली ठंडी ठंडी लस्सी पीने, और आप लोग भी बनाइए और पीजिए। बाय बाय, टेक केयर।